कौन आवे? वो तो यहाँ लगे जाना अनिल कपूर आवे। अरे डोलू है रो तो। अरे एंट्री तो बड़े दिन बाद हुई है यार। अरे तू बड़े दिन बाद आया, हमारा वीडियो के अंदर सीधी एंट्री मार दी। चश्मा चश्मा लगा के अच्छा स्टैंडर्ड बनाए हुए आज तो। स्टैंडर्ड क्या है यार बा, आंख के फ्लू के आई फ्लू हो रही है। आई फ्लू हो रही है, आई फ्लू हो रही है। ओके हुआ है मेरे मन नहीं, मन तो लोग ही बताओ तेरा आई फ्लू हो रही है। एक चश्मा दिला दियो। तो कितना के दिन को मेहमान है तू? मेरे को नहीं यार मालिक ही जाने। अरे मैं मरे मुरे की गोलियां के अंदर जागरूकता जरूरी है। अरे इसी बीमारी खत्म हो जाए तो ठीक है। बीमारी तो खत्म हो जाए ठीक है, बीमार ना खत्म हो जाए। अरे तो आप ही बीमारी है, मैं तो इनकी बात करूं। अरे मजाक छोड़ो यार, सच में यार भी घबराहट सी हो रही यार। कला है के पहली बार देखी मुझे बीमारी यार, है के चीज है यार। इनकी जागरूकता तो जरूरी है, हर आदमी डरेडो है, हर आदमी सोचे बीमारी के। मेरे तो आपका छोरा का जी आंखा लाल सी हो रही, सारा रात की मने नींद को नहीं, टेंशन के अंदर। इनकी जानकारी को डॉक्टर लेवांगे? डॉक्टर लेनी चाहिए फिर, जे ये फैल रही है बीमारी तो। नहीं बीमारी फैल रही है, लोग डरावा ज्यादा है, कहीं हो जाए। अब डॉक्टर ही बता सके भी हूं के रोकथाम है के इलाज है, आप तो अंदाजा ही लगा सका। यहां बात तो तेरी ठीक है। मेरा यार एक आंखा को डॉक्टर जानकार है, आप अभी कन चला। चलो फिर, चलो चलो इलाज। डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। इनके आई फ्लू हो रहे हो बतावे? अच्छा तो वो घबरा रहे हो, इन थोड़ा सा बताओ कोई। आई फ्लू से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से दवाई लें। अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो आंख पे हाथ कपड़ा पानी ना लगाएं, बार बार आंख को रगड़े ना, मसले ना, काला चश्मा पहन के रखें। और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से आपको कोई भी लक्षण लगते हैं जैसे कि आँख में लाली आना, दर्द होना, पानी गिरना, खुजली होना और स्वेलिंग आना, मतलब सोजिश आना, कुछ भी लगे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और दवाई लें। ये 3-4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको हो जाता है तो भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ना जाएं और अपना तौलिया, अपनी बेडशीट और अपना पिल्लो तकिया वगैरह किसी से शेयर ना करें। और इससे कोई भी बिल्कुल भी किसी को भी कोई भी बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसका इलाज है, ये ठीक हो जाता है।